ये फिल्म बनी और इमेजिन भी नहीं किया जा सकता कि ऐसी इतने पैसों में एक फिल्म बन भी सकती है। और सारे जाने माने कलाकार, रघुवीर यादव हैं, विजेंद्र काला हैं, विपिन हैं, टिया हैं, सब लोगों ने इसके अंदर काम किया और बाकायदा बिना पैसे के काम किया और प्रोड्यूसरशिप लिया इस फिल्म के अंदर। सो इट्स अ कम्युनिटी फंडिंग टाइप का एक ये फिल्म बनी और बनने के बाद फिल्म अच्छी बनी, हमें लगा अच्छी है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से रिलीज होगी, कैसे पहुंचेगी। लेकिन ये फिल्म पहुंची और क्रिटिक्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट हमें दिया है, 4 स्टार दिए गए, 4.5 स्टार दिए गए और इसकी सराहना भी हुई। तो ये अपने आप में मेरे ख्याल से एक बहुत अहम लम्हा है, राह साहब के लिए भी है जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, और बाकी एक्टर्स के लिए भी है, प्रोड्यूसर्स के लिए है, जिन लोगों ने भी काम किया है उनके लिए, सबके लिए, और इसी के लिए हमें आज यहाँ पार्टी मनाने के लिए आए हैं। ऐसे छोटे फिल्मों को बॉलीवुड में बढ़ावा देने के लिए क्या और कर सकते हैं? मेरे ख्याल से अगर हम दुनिया का सिनेमा देखें या दुनिया की इंडस्ट्री देखें तो बॉलीवुड में काफ़ी बढ़ावा ऑलरेडी है, क्योंकि ऐसी फिल्म बन के रिलीज हो जाती है वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अगर हॉलीवुड में होते तो ये एक फिल्म बनाना किसी भी फिल्मकार के लिए मतलब वो लोहे के चने चबाने जैसा होता है, वहाँ इतना आसान नहीं होता है कि आप फिल्म इतनी आसानी से बना लें और आप रिलीज कर दें। तो आई थिंक दैट द इंडस्ट्री इज़ फेवरेबल, अच्छी फिल्म बनेगी। हाँ, थोड़ा ये है कि भाई ऑब्वियसली पैसे के हिसाब से, क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट अ मनी प्रोपोजिशन, यू नो इट्स नॉट अ मनी ड्रिवन थिंग, तो मार्केट के हिसाब से तो नहीं है उतना, लेकिन ज़रूरत हर तरह की फिल्मों की होती है तो करना भी चाहिए। आपकी लास्ट फिल्म जो 100 करोड़ की वो है केक, जी आपका भी एक भूमिका था, जी कैसे लगता है, कैसा था जी? एक तो 100 करोड़ मत बोलिए केक को, क्योंकि वो 200 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। हाँ, तो 100 करोड़ तो पुरानी चीज़ हो गई, अभी तो 200 करोड़ के ऊपर की बात है जी। तो मेरे लिए बड़ा सुखद अनुभव था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म थी मेरे लिए, क्योंकि साजिद भाई की ये डेब्यू फिल्म थी, और सलमान के साथ मैंने पहली बार काम किया, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, बहुत पहली बार उनसे बातचीत हुई, मुलाकात हुई, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी एंड द फिल्म हैज़ वर्क्ड, it has been liked by everyone, so that gives a great feel. Salman is known as being human, mujhe aisi kaun si human element aapko chhu rahi hai film ke shooting ke dauran? Mere khayal se aap sab log mujhse zyada jante hain Salman ko, kyunki aap mil chuke hain unse, jo pehli cheez unke bare mein strike karti hai wo bahut reserved aadmi hai, jab bhi wo jab tak wo baat nahi karte hain tab tak bahut reserved rehte hain, लेकिन अगर आप एक बार उनसे बात करें तो एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि वो बहुत ही सिंपल इंसान है, बहुत ही जो कहते हैं वो हो सकता है कभी टेढ़ा भी कह दिया हो, ये मीडिया में इस तरह का बड़ा होता भी है, लेकिन वो जो कहते हैं, वो जो सोचते हैं और जो उनको दिल में अच्छा लगता है वही कहते हैं। ये बात सलमान के बारे में मेरे ख्याल से हर यहाँ आदमी जो है वो एक्सेप्ट करेगा। सलमान खान तो होगी बकेट लिस्ट में नेक्स्ट, आमिर खान एंड विद पीके, जी हाँ जी कुछ होते जी, तो आमिर साहब के साथ मैं कर रहा हूँ और शाहरुख साहब के मैं साथ पहले कर चुका हूँ हेराम, लेकिन अब उनके साथ भी अगली फिल्म सोच रहा हूँ कि मतलब इंतजार कर रहा हूँ कि आ जाए।